हेलो बॉबी। हाँ कौन जी? बॉबी से बात कर रहे हैं ना आप? मैं बॉबी बोल रहा हूँ, आप कौन? आप बॉबी बोल रहे हैं? जी मैं बॉबी बोल रहा हूँ। नहीं मतलब हम तो कुछ और। अच्छा बॉबी, आपके क्या सुनहरे लंबे बाल है क्या? मतलब आपने लंबे लंबे बाल कर रखे हैं क्या कमर तक? हाँ लंबे बाल हैं मेरे। आपके गले को कुछ हुआ है क्या बॉबी? एक मिनट, आप कौन हैं? आप किस मतलब मैं क्या? बॉबी, आप शनिवार को क्लब में आए थे जी है ना? मैं उस क्लब का मैनेजर बोल रहा था सर। अच्छा हमारे यहाँ जी पर एक बताइए। डीजे है सर, डीजे थर्मोमीटर। डीजे का नाम है थर्मोमीटर? डीजे थर्मोमीटर। अच्छा हाँ सर, तो डीजे थर्मोमीटर ने सर आपको पीछे से देखा था। पीछे से देखा हाँ, था। आपको पीछे से देखा था। आप डांस कर रही थी स्टेज पर। कर नहीं रही थी, कर रहा था। बॉय मेल हाँ, मेल क्या बोल लड़का रहे सर? उसको आदमी उसको झटका लगेगा सर डीजे थर्मोमीटर का? बॉबी। क्या झटका लगे? क्या आप क्या चाह रहे हो? मैं समझ सर नहीं पा रहा हूँ। डीजे थर्मोमीटर ने आपको पीछे से देखा था, लंबे सुनहरे बाल, ब्लू कलर की शर्ट में सर। वो तो बावला हो गया आपको देख करके। उसको लग रहा था कि आप समझ रहे ना सर। अरे क्या क्या बेवकूफ हो गया वाली बात कर रहे हो बेकार में यार। तुम फोन करके बॉबी है पीछे से देखा, वो वैसे तुम्हें पागल हो कितना गया लगा कि सर। ये कोई लड़का है? वो थर्मोमीटर ने हाथ वाथ काटने वाली हालत आ गई है सर थर्मोमीटर की। गला काट लिया अपना थर्मोमीटर, मुझसे मतलब नहीं है यार। तुम जबरदस्ती पीछे से देखा, पागल हो गया क्या? मजाक करने के लिए फोन करा? मैं नहीं नहीं कंप्लेन मजाक करूंगा करने के लिए तुम्हारे नहीं, साथ आपने लंबे लंबे यार। बाल ऐसे रखे थे ना, उसको लगा अरे कि मैं मतलब लंबे आप बाल, अरे एक ओ एक बात सुन मेरी, लंबे बाल जितने कहोगे थर्मोमीटर सबको देख के पागल होता क्या? सर पागल, फोन कुछ मत करियो दोबारा। कुछ फोन कनेक्शन लगा होगा थर्मोमीटर का सर आपके साथ। करना चल चल, फोन मत करियो चल। बॉबी, हेलो यो बॉबी, कौन? डीजे थर्मो दिस साइड। अबे ओ यार तू भाई, तू तू क्यों फोन कर रहा है अब? बॉबी, नो ओए प्रॉब्लम इफ यू ओ सुन मैन। सुन सुन, ओ पहली बात सुन, ये ना बॉब है, बॉब है, ऐसे करके बात करने की जरूरत वेल दैट्स माय वॉइस बॉबी। ओ सुन मेरी बात, इंसानों की तरह बात कर ले। और ये जो तू कर रहा है ना वहां पे, मुझे पीछे से देख के पागल हो गया, समझ गया? कोई बच्चा नहीं हूं मैं, सारी तेरी बात समझ में? यू हैव अ ग्रेट हेयर स्टाइल मैन। अबे एक तो तू हिंदी में बोल लेना यार, जब नहीं आ रही इंग्लिश तो। डीजे बॉबी तुमको गाना डेडिकेट करना चाहेगा। तू मुझे गाना डेडिकेट करेगा? हाँ, कौन सा? वी ब्रिंग इट इन द हाउस नाउ। मैंने तुझको देखा पीछे से, तेरी और दिल फेंका पीछे से, परी है तू है बाकी पीछे से, मना ही नजर रोका पीछे से। अरे ओ सुन सुन सुन, ओ सुन मेरी, अब सुन, अब सुन, हो गया तेरा गाना वाना हो गया, मैं बोलूं? यो यो सुन 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 सुन, जहाँ वहीं पे तुझे क्या आऊंगा बॉबी, डोंट हर्ट मी बॉबी। और सुन मेरी, ओ सुन ले, एक तो ढंग से नाम ले, गो गो गो, ऐसे करने की जरूरत नहीं पहली बात, ठीक है? और ये जो तू हंसी छूट रही है तेरी, कर रहा फोन कर करके मेरी, गॉर्जियस हेयर यू हैव, देखा पागल हो गया, तेरा क्लब बंद कराऊंगा, तू लॉन्डो में नजर, गॉर्जियस हेयर यू हैव, एक तो तेरी बात समझ नहीं आ रही। डीजे थर्मोमीटर इन द हाउस, इंसान तू घर ऐसे बात करता है? उससे मैं लड़ रहा हूँ, तू इन द हाउस, इन द हाउस कर, अब फोन मत कर, ड्रॉप द बेस। हेलो, हाय बॉबी जी से बात हो रही है? हाँ बॉबी, बॉबी जी हम एक रेडियो स्टेशन से बोल रहे थे और आपको किसी ने गाना डेडिकेट किया है। मुझको? जी किसने? राइट गाना पहले ये वाला था सर। से ये गाना मुझे डेडिकेट किया है? हाँ सर, वो कोई डीजे थर्मोमीटर थे, उन्होंने कॉल किया था। अबे यार सर, यार इसने मेरी सुबह से मार रखी है, पीछे से देखा। अरे यार हंसो मत यार, समझो मेरी बात को, फिर मुझे फोन करके बोल रहा है यो मैन यो मैन। वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ही है सर इस वक्त। यो बॉबे, अरे फिर आ गया बॉबी जी। बॉबी भाई यार ये कौन आदमी है यार? बॉबी भाई सुनो, बॉबी भाई बुरा मत मानना, आपके दोस्त ने इनफैक्ट आपके आपके दोस्त जिनके साथ में आप क्लब में गए थे, उन्होंने आपका नंबर दिया था आपको मुर्गा बनाने के लिए। मैं आरजे प्रवीण, मेरे साथ आरजे नील एंड एंड डीजे थर्मोमीटर। यू वुड वांट टू टॉक टू डीजे थर्मोमीटर? यो बॉबे, हां यार फिर आ गया यार, सर वो पागल हो गया सर, वो नसें काट लेगा सर, मैं बता रहा हूँ, कंट्रोल में ना भैया। यार ऐसे मत बॉबी, बॉबी
भाई डीजे की तरफ पीठ मत करियो, पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहें। सार्वजनिक हेलो, कोरोना की कॉलर ट्यून को बदलने के लिए एक दबाएं, अन्यथा दो दबाएं। आपने जो विकल्प चुना है वह दो है, अर्थात आप कोरोना की कॉलर ट्यून से बहुत संतुष्ट हैं। ओ भैया, भाई एक दबाया है। कोरोना की कॉलर ट्यून को बदलने के लिए एक दबाएं, अन्यथा दो दबाएं। आपने एक का विकल्प चुना है। हाँ। अपने विकल्प को कंफर्म करने के लिए एक दबाएं, अन्यथा दो दबाएं। ना एक ही तीन बार होगा, एक दबाएं तो पूरा। भाई होता है, हम क्या करें बताइए, ऐसे हम लोग को भी करना पड़ता है ना, दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, आप ऐसे इरिटेट होंगे तो नहीं चलेगा ना। हेलो जी, भाई ये तो कौन? सर मैं वही बोल रहा हूँ जो अभी ऐसे आपसे बात कर रहा था ना, ये हमारी नॉर्मल आवाज है। ठीक है ना, दिक्कत क्या होती है कि हमें ऐसे करना पड़ता है, वो टोन में बात करनी पड़ती है। कई कई बार सर ऐसा होता है, एक से लेकर नौ तक हम बोलते हैं, ठीक है ना, फिर हमको बोलना पड़ता है मेन मेन्यू में जाने के लिए आप स्टार दबाए, लोग स्टार दबा देते हैं, फिर एक से लेकर के नौ तक हमें बोलना पड़ता है, दिक्कत होती है सर हमें बहुत। मतलब रिकॉर्ड नहीं होता ये बंदा बोल रहा होता है? बिल्कुल, अगर आप चाहें तो हम आपकी कॉलर ट्यून को बदलने की प्रक्रिया को आगे ले जा सकते हैं। सुना सर आपने? हाँ, ये रिकॉर्डिंग नहीं सर, लाइव होता है, दिन भर बैठ के यही करते सर हम। ओ भाई मतलब कॉल आती है तो ये ऐसे यार तुम लोग ऐसे बना के बोलते हो? हाँ सर, बना करके बोलना पड़ता है, क्या करें सर, वो दिक्कत होती है ना। चलिए सर, अच्छी बातचीत बाद में करेंगे सर, लेकिन अभी प्रक्रिया को शुरू करते हैं। आगे चले सर। हाँ भाई हटानी यार कॉलर ट्यून, मैंने एक दबा दिया है जी, उसके आगे ले रहे अब। अच्छा दोबारा दबाना पड़ेगा एक? नहीं नहीं दोबारा नहीं दबाना, उसके आगे का खेल जारी रखेंगे हम। अच्छा अच्छा ठीक बताओ, है बताओ जी। तो कॉलर ट्यून को बदलने के लिए आपने एक का विकल्प चुना है, इसे रिप्लेस करके हम आपकी एक फेवरेट गीत को आपका कॉलर ट्यून बनाएंगे। कृपया अपना फेवरेट गाना गुनगुनाएं। गाना भाई फेवरेट सर, आप जल्दी कीजिए ना सर, आगे और 56 लोगों को कॉल करना है सर, जल्दी कीजिए थोड़ा। अरे भाई वो वाला भाई वो, हाँ। मन मस्त मगन मन मस्त वो वाला लगा दो भाई। आपने जो विकल्प चुना है वह हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल है, जरा रुकिए, आपकी नई कॉलर ट्यून होगी। मन मस्त मगन मन मस्त मगन बस तेरा नाम। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है, खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल। भाई ये कब आ गया यार गाने में? आँख नाक और मुंह को छूने से रुकें। ये इस वक्त बहुत जरूरी है, हमें खेद है, लगता है ये सिस्टम की गड़बड़ी थी, हम एक बार अरे भाई यार सिस्टम गड़बड़ी क्या, वो लगा दो गाना यार। आप क्या बोल रहे थे, नॉर्मल भाई वही वाला गाना लगा दो ना जो नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल, हाँ सर नॉर्मल लगाते। एक मिनट रुके। कोरोना वायरस को फैलने से ये थोड़ी लगाना है। यही विकल्प आपके फोन के लिए बेस्ट है। तू बता रहा मुझे कौन सा विकल्प बेस्ट है हमारे फोन के लिए? मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार दबाए। मेन मेन्यू यार, मेन मेन्यू क्यों जाऊंगा भाई मेरा, अन्यथा हैश दबाए। हेलो, या फिर शून्य दबाए। भाई तू तो नॉर्मल बात कर सकता ना, तूने बताई थी अभी, वैसे बात कर ले। हाँ तो नॉर्मल बताइए सर, क्या करना बताइए। भाई जो गाना मैंने बताया ना, वो मन मस्त मगन वो वाला गाना लगा दो भाई। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार दबाए। ले दबा दिया भाई। आपने गलत बटन दबाया है भाई, मेरे किस स्टार है। हेलो अरे भाई साहब, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। डोंट गेट इरिटेटेड, ये आपकी भलाई के लिए। रेड एफएम 93.5 मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार दबाए। दबाते रहो, बजाते रहो।
हेलो। दो सवालों के आसान जवाब देकर जीते 10,000 रूपए। कॉन्टेस्ट खेलने के लिए बीप के बाद एक दबाए। आपने कॉन्टेस्ट खेलने का विकल्प चुना है। हम आपकी इस फोन लाइन को ट्रांसफर कर रहे हैं। नमस्कार, कॉन्टेस्ट खेलना है आपको। हाँ जी। अपना नाम बताइए। राजेश शंकर गुप्ता। धीरे धीरे बताइए, कंप्यूटर नहीं है, लिख रहे हैं। राजेश शंकर गुप्ता। गुप्ता। अच्छा, जरा बताइए कि आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई है। कोई विशेष कारण? अरे ये कैसा सवाल है, नहीं हुई है, नहीं हुई है। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क? अरे किस चीज का आइडेंटिफिकेशन मार्क यार, कॉन्टेस्ट खेलना है, क्वेश्चन सवाल पूछो। नहीं, जब जीतेंगे तो आइडेंटिफिकेशन मार्क की जरूरत है। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो बताइए। स्किल है मेरा, और क्या बोले तुमको। कॉन्टेस्ट के दूसरे पड़ाव में आपका फोन ट्रांसफर किया जा रहा है। हेलो। हेलो जी, कॉन्टेस्ट खेलना आपको। हाँ जी। शादी आपकी नहीं हुई है ना? नहीं हुई है। कोई विशेष कारण? अरे फिर से वही कारण। नहीं, कोई कारण नहीं है, ऐसे ही शादी नहीं बनाए हैं। सवाल पूछिएगा कि काट दे। हम आइडेंटिफिकेशन मार्क है कोई? नहीं है, नहीं है, हम रख रहे हैं। हेलो। हेलो सर, मैं वो दो सवालों के जवाब दे और कॉन्टेस्ट जीते वाले डिपार्टमेंट से बोल रही थी सर। मेरा नाम प्रिया है। बोले। जानकारी मिली है कि मेरे जो दो कलीग हैं जिनसे आपकी बातचीत हुई थी, उनके साथ में आपकी कोई असुविधा हुई? आप थे वो, बहुत थे, उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे थे, पता नहीं क्या कॉन्टेस्ट का बारे में उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे थे। सर, उन दोनों को हमने कंपनी से बाहर निकाल दिया है सर। निकाल दिया इतना जल्दी? हाँ, हमारे यहाँ सर हायरिंग एंड फायरिंग वाली पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है सर। क्या मैं आपको इस कॉन्टेस्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी दे सकती हूँ इन डिटेल्स? दीजिए। सर, एक लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल सर, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क? नहीं है आइडेंटिफिकेशन मार्क। हो सकता है कि आप मुझे बोलने में शर्मा रहे हैं। मैं आपका फोन मेरे मेल कलीग को ट्रांसफर कर रही हूँ, आप उन्हें बता सकते हैं सर। हाँ सर, आइडेंटिफिकेशन मार्क बताइए, औरतों को बोलने में शर्म आता होगा। तुम वही हो ना इससे पहले जो बात कर रहे थे? हाँ, बस रेजिग्नेशन लेटर दिए हैं। अब फिर से तुम लोग। हाँ सर, हमारा नोटिस पीरियड अभी कंप्लीट नहीं हुआ सर, वो कंप्लीट करेंगे फिर जाएंगे सर। आइडेंटिफिकेशन मार्क बताइए सर, कौन जीतने के लिए था। हेलो। हे, आई एम मार्क। मार्क? या माय फुल नेम इज आइडेंटिफिकेशन मार्क। तुम लोग गुप्ता जी, मैं प्रवीण और वो आर्जे नील, अपन दोनों मिलके मुर्गा बना रहे थे आपका। तुम लोग वो रेड एफएम वाले हो क्या? अरे हेलो। हाय जी, यू हैड बुक्ड योर टिकट्स फॉर येलो टैक्सी म्यूजिक प्रोजेक्ट, इफ आई एम करेक्ट? यस आई हैव। यस, सो आप किन का परफॉर्मेंस देखने के लिए आ रही हैं वहाँ पे? वैसे तो सबका, बट आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दर्शन रावल। राइट, आई एम अ बिग फैन। सो लेट मी टेल यू, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम दर्शन रावल्स ऑफिस। ओके। एंड देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। ओके, क्या आप दर्शन से बात करना चाहेंगी? व्हाट? यस। हेलो। बिकॉज यू आर द चोजन वन। Oh my God! Seriously? Yes. Okay. Right. So, मैं फोन ट्रांसफर करने वाला हूँ. I know it's unbelievable, पर आप बात कर सकती हैं, ठीक है? एक सेकेंड, बात कर सकती है किससे? जिनका नाम मैंने लिया उनसे बात कर सकती हैं आप, दर्शन रावल। यस, आई एम सीरियस, आई एम सीरियस एंड आई एम ट्रांसफरिंग यू कॉल एंड यू कैन एक्चुअली टॉक टू दर्शन रावल। ओके, आप बात कर सकती हैं, ठीक है? जस्ट होल्ड ऑन। ओके, जस्ट होल्ड ऑन टू योर एक्साइटमेंट एंड वी आर जस्ट ट्रांसफरिंग योर फोन कॉल। दर्शन लाइन पे बात कर सकती हैं आप। हेलो, हाय, हेलो, आप बात कीजिए। हाय दर्शन जी, I'm such a big fan of yours. I've been following you everywhere and I'm so excited to see you. Hello. आप बात कर सकती हैं। हाय, I hope you're hearing this. Hi.
हाँ हाँ आप बोलती रहिए, आप बात कर सकती हैं। Yeah, so I mean, I this one time I even DM'd you. आपने reply भी किया. I'm such a big fan and I'm so excited. I can't believe I'm talking to you right now. Hello. हाँ आप बोली, बात बोली कर सकती है, बोलिए ना, बोलिए. Yeah, so but he isn't saying. Hello? तो हमने तो एक बार भी नहीं कहा ना कि दर्शन बात करेंगे, हमने कहा आप बात कर सकती, तो आपको जितनी बात करनी है कीजिए. Oh my God! So not fair! So not fair! Oh my God! Okay, this is RJ Praveen from 93.5 Red FM and me and Neil, we are actually trying to pull a prank on you. Oh my God, you guys are so impossible. अरे अच्छा सीना, इट्स ओके, वी वर जस्ट प्लेइंग अ प्रैंक ऑन यू, इट्स ओके, इट्स डन. लेकिन हमारे साथ ना अभी ऑनेस्टली जो हम कर सकते हैं, जो रेड एफएम की तरफ से मैं और प्रवीण कर सकते हैं, वो जावेद जी लाइन पे है. जावेद जी से बात करा सकते हैं. आपको मालूम है और कौन कौन से आर्टिस्ट वहां पर आने वाले हैं? जावेद जी, सोलमेट, ओ माय गॉड, आई एम ऑफ कोर्स आई बुक द टिकट्स, लू मजाओ भी है. तो जावेद जी इज ऑन द लाइन, आई कैन टेक हिम ऑन कॉल. वो भी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई थी, उनसे मैं बात कर रहा हूँ आपकी. आई डोंट बिलीव यू गाइस, ट्रस्ट एनीमोर, बिलीव अस यार, इट्स ओके. वो मजाक कर रहा है यार, वो मजाक था यार. हाँ, तो मालूम हम लोग प्रैंक करते हैं, तो हम लोग प्रैंक ही कर रहे थे. जावेद जी से बात करा सकते, लेकिन हम बात कराएं आपकी. ओके. और right. मतलब जावेद जी भी बात करेंगे इस बार, ऐसा नहीं है कि आप बात कर सकती है, ठीक है? मैं कनेक्ट करता हूं, मैं कनेक्ट कर देता हूं. कनेक्ट कर दे भाई. हाँ, जस्ट होल्ड ऑन. ये एक से. बात कर सकती है आप, स्टार्ट करो. हाय हाय जावेद जी. देखिए जिंदगी है तो फासले हैं, और फासले हैं तो जिंदगी है. ओ माय. हेलो जी, बताइए. जावेद जी सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए. देखिए हमने कहा था जावेद साहब से बात कराएंगे, हमने ये नहीं कहा था कि जावेद अली साहब से बात. यार बैक टू बैक. देखिए ऐसा है, अब हंस रही हूँ. राइट सर, because we have pulled a prank on you, you know what we can do for you is, on the day of the event, when you come down, we'll actually make you speak to Javed Ali, Darshan Rao, Luma Jaw, Soulmate and Mame Khan, everyone. सबसे मुलाकात कराएंगे और आपकी पर्सनल पिक्चर करवा के देंगे. मतलब नहीं, ये पक्का करवा के देंगे हम लोग, ठीक है? ये वादा है हमारी तरफ से, ठीक है? Okay. But thank you so much, यार. I should get this in written actually. I? ये थोड़ा देखिए, मंजिलें हैं तो हमारे शब्द है, और शब्द है तो यकीन है, यकीन है तो bookmyshow.com पे जाइए एंड बुक योर पासेस राइट अवे फॉर द येलो टैक्सी म्यूजिक प्रोजेक्ट सीजन 2. बजा दे रहो, मिला देंगे यार तुमको पक्का से, याद रहा. ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू सो मच. हेलो. हेलो, हाँ जी, कौन? आप आओगे ना? हाँ, आप आओगे ना? कौन बोल रहा है? आओगे ना? मैं जो भी बोल रही हूँ, प्लीज आओ ना. कौन बात कर रहे हैं? वो सब छोड़ो, आ जाओ, आओगे ना? कहाँ पे आना है, कहाँ पे? कहाँ वहाँ सब छोड़ो जानू, आओ ना, आओगे ना? बोलो. आ जाऊंगा, लेकिन आप बोल कौन रही है? बुलाती है मगर जाने का नहीं. हेलो. हेलो, आओगे ना आप? हाँ मैं आ जाऊंगा, लेकिन ये कोई पीछे से बोला कि आना. बेकार की बातें छोड़ो, आओगे ना? लेकिन आना कहाँ पर है? बुलाती है मगर जाने का नहीं. अरे क्या तुम बोल रही हो, आओ, ये बोल रहा है, बताओ क्या क्या चल रहा है ये? सच्ची बात बोलो ना जानू, आओगे ना आप? हाँ मैं आ जाऊंगा, लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं. बना रहे हो, चल बे. हेलो. हाँ सर, वो मिठाई दुकान से बोल रहे थे, आपने मिठाइयाँ कुछ करवाई थी ना अपने सासू माँ के लिए पैक, वो कम चीनी वाली. हाँ
सर तो वो तैयार हो गई है सर, आप कब लेकर के जाएंगे? कब लेके जाऊंगा? ले जाऊंगा, बताओ क्या दिक्कत है? हाँ नहीं, मैं ये पूछ रहा था सर, आप अपनी सासू माँ के लिए ले जा रहे हैं ना सर? अरे मैं अपनी सासू माँ के लेके जाऊँ, बीवी के लिए लेके जाऊँ, तुम्हें कैसे पूछ रहा है भाई? तुम उसके लिए आप ससुराल जाएंगे ना सर? आ जाऊंगा, क्यों नहीं? सासू माँ ने कॉल करके आपको बुलाया ना सर? अरे तो ठीक है, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा, क्या दिक्कत है तेरे को? सर मैं ये कहना चाहता था सर, बुलाती है मगर जाने का नहीं। लगा रखा है ये, बार बार बोल रहे बुलाती है मगर आने का नहीं। मिठाई लेने के लिए बात हो रही है ना यहाँ पे? सर ससुराल तो वैसी चीज है सर, बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या भाई तुमने यार, ये क्या कर रहे हो? हेलो हेलो हेलो, अरे कोई बोलेगा भी? बुलाती है मगर जाने का नहीं। कौन है तू? बार बार मेरे को कॉल करे आ रहा है, कभी बोला रहा है कि आ जाओ, कभी बोल रहा है नहीं। पहले वो लड़की कॉल कर दी है, फिर मेरे को हलवाई कॉल कर रहा है। तुम बार बार मेरी दे रहे हो, तुम क्या कर रहे हो तुम ये हैं? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम लोग मुर्गा बना रहे थे सर आपका। तो अब आना है या नहीं आना है? बुलाती है मगर जाने का नहीं। यार 93.5 रेड एफएम बना रहा हूँ, अभी जो थोड़े से बुलाती है मगर जाने का नहीं। यार गलत बात है, गलत बात है भाई, गलत बात है। ये अलग ही गान खेल रहे, ठीक है भाई बजाते रहो। हेलो जी, जी बोल रहा हूँ। जी हम आपके लोकल काउंसलर की ऑफिस से बात कर रहे थे। जी बताइए। एंड सर हमने कॉल किया था जस्ट टू कंग्रेचुलेट यू, क्योंकि हमने देखा कि इस लॉकडाउन के दौरान आपने लॉकडाउन के नियमों का सारा पालन किया, और जब जब आप घर से बाहर निकले किसी काम के लिए तो आपने मास्क पहना। अभी आपकी ऑफिस भी चालू हो गई है, तो आप ऑफिस जाते हैं और ऑफिस जाने से पहले आप मास्क पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, ऑफिस की गाड़ी के हैंडल को सैनिटाइज करते हैं, गाड़ी में बैठ के हाथों को सैनिटाइज करते हैं। हमने सब चीज़ें ऑब्जर्व करी है, एंड कमेंडेबल जॉब डन बाय यू सर। थैंक यू सो मच। मतलब देखिए मैं क्या, मैं सबको बोलूंगा कि सब लोग जो है मास्क पहने, सैनिटाइज करते रहे, और इवन हमारे ऑफिस में भी जो लोग हैं वो प्रॉपर इसका ध्यान रख रहे हैं। मैं तो हर 20 मिनट में हाथ धोते ही रहता हूँ, और बिना मास्क के घर से निकलता ही नहीं हूँ। क्या बात, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हम ना आज शाम को आपके घर पे तकरीबन 10 मास्क और कुछ सैनिटाइजर की बॉटल वगैरह भेज रहे हैं, ठीक है ना सर? जरूरत होगी? नहीं सर मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास है। जरूरत है सर, जरूरत है। नहीं नहीं सर है मेरे पास। अरे मैं बता रहा हूँ सर, जरूरत है। अरे सर घर मेरा, जरूरत मेरी, मुझे बता रहा सर, ऐसा कोई इशू नहीं है मेरे पास है सर। आपको नहीं सर, मां दीजिए ना जब ऐसे। आपको नहीं सर, मतलब आपके पापा को जरूरत है। आपके पापा जो है वो हर दिन सुबह निकलते हैं, कभी सब्जी लाने के लिए, कभी दूध लाने के लिए, यहाँ तक कि आपकी दवाइयां लेने के लिए भी आप नहीं वो घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है? उनके पास शायद मास्क नहीं है, वो हमेशा रुमाल बांध करके रखते हैं, और किसी दिन अगर रुमाल भूल जाते हैं तो वो अपनी टी शर्ट को ऐसे करके बाहर निकलते हैं। उनकी उम्र हो गई है सर, इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो गई है, पर क्या फर्क पड़ता है ना, बाप है, है ना? बाप जो होते हैं वो सब कुछ संभाल लेते हैं। आपने अपनी सुरक्षा कर ली, आपने अपनी सुरक्षा के लिए सारी तैयारियां कर ली सर, पर उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा जिसने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया था, ठीक है? जब आपको सर्दी लगती थी तो रात भर आपके सीने पे वो मलहम लगाते थे, आपको अपने सीने पे लिटाते थे ताकि आपका सीना गर्म रहे। वो चाहते हैं कि आप कामयाब हो, लेकिन आपकी कामयाबी देखने के लिए वो जिंदा भी तो रहने चाहिए ना सर। मैं कह रहा हूँ सर, देखो अब अगर ख्याल नहीं रखोगे ना तो कब ख्याल रखोगे, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो ना कभी आपको आकर के बोलेंगे नहीं, है ना सर? कभी आपको आकर के बोलेंगे नहीं कि उनको भी चाहिए, उनको भी जरूरत है। वो घर से बाहर निकलते हैं, उनके लिए बहुत रिस्क है ना सर। आई होप कि आप समझ पाए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और मैंने इस पूरी कॉन्वर्सेशन का वीडियो बनाया जो मैं अपलोड भी करना चाहता हूँ, लेकिन आपकी परमिशन के साथ में, और आपके नाम को मैं बीप कर दूंगा ताकि लोगों को पता ना चले कि मैं किनसे बात कर रहा था, लेकिन ओनली इफ यू गिव मी परमिशन देन ओनली आई विल डू इट। नहीं सर सही बात है, शायद जो गलती मुझसे हुई है वो किसी और से ना हो, तो हाँ प्लीज आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आई अंडरस्टैंड, सॉरी, एंड आई होप
आप करेंगे जो आपने कहा। बिल्कुल सर, मैं अभी इस बात का ध्यान रखूंगा सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो गाइज, पीपल दोज़ आर वाचिंग द वीडियो, आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइज दैट यू नो कि वो आपको बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। बचपन में आपके बिना बोले वो आपकी सारी बातें समझ जाते थे, अब बारी आपकी है कि उनके बिना बोले आप उनकी सारी बातों को समझें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो, आपने कि पलाश सर कथा बोलछेन? हम बोलछी। पलाश सर, आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना? हाँ, पढ़ाई में हिस्ट्री। पलाश दा, हमारे एक छेले आछे क्लास 6-7 पढ़छे और हिस्ट्री ट्यूशन दरकार। अच्छा, तो आपने कि बाड़ी एसे पढ़ान? हाँ, बाड़ी एसे पढ़ाई, कोनो असुविधा नहीं। तो कत फीस नेन सर आपने बाड़ी एसे पढ़ानो? बाड़ी गिये पढ़ाले 2000 टाका नी आमी। 2000 टाका, अच्छा ठीक आछे। आर सर कत घंटा माने कि পড়াবেন আমার ছেলেকে? দেখুন, ওটা বাচ্চার নিডের উপর ডিপেন্ড করে, কার কে কতটা গ্র্যাপ করতে পারে, কতক্ষণ লাগে না লাগে। আচ্ছা, মানে যদি 2 ঘন্টার মনে হয় যে একটু বেশি লাগবে, কেউ কেউ তাড়াতাড়ি ধরে নেয়, কেউ একটু বেশি ক্ষণ পড়াতে হয়। স্যার, আমি কয়েকটা প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, মানে হিস্ট্রি রিলেটেড, যদি আপনি মাইন্ড না করেন। আপনি প্রশ্ন করবেন আমাকে কেন? স্যার, আপনি আমার ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াবেন, তাই একটু মানে আপনার হিস্ট্রি কিরকম সেটা যদি চেক না করি, আই মিন ইউ নো ফর মাই ওন স্যাটিসফ্যাকশন। আচ্ছা ঠিক আছে, করে নিন। আলেকজান্ডার দি গ্রেট ভারত কবে এসেছিলেন? 326 BC। স্যার, দুসরা সওয়াল মেরা থা স্যার, মোহেঞ্জোদাড়ো এন্ড হরপ্পা, এটা এখন কোথায়? পাকিস্তানে। স্যার, আরিয়ানস লিভড ইন সাউদার্ন ইন্ডিয়া। সাউদার্ন ইন্ডিয়া, আপনি বহুত পড়াই করি না স্যার? वो तो करना पड़ता है। अच्छा, जब हम वेद की बात करते हैं तो पहला वेद कौन सा था? ऋग्वेद। लास्ट क्वेश्चन सर, इफ यू डोंट माइंड। ओके सर, पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? पटना। हाँ, पटना नहीं, वो तो हम कैसे पटे। ये क्या हुआ? नहीं, मैं तो ऐसा मजाक कर रहा था, मतलब पेरेंट्स एंड टीचर का रिलेशन ऐसा होना चाहिए ना, हंसी मजाक का। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू, हो गया। एबार बोलूं ताले कखन पाठाबेन आपना जिए के? नहीं नहीं, हो गया, थैंक यू। की हो गया छे? जो काम था वो हो गया मेरा। की काज? আপনি ফোন করে আমাকে কি কাজ কথা বলছেন? মেরা কাম হো গয়া, হ্যাঁ তো ইয়ে নেই নেই, ইয়ে কোয়েশ্চন অ্যাকচুয়ালি কিয়া থা, ইয়ে মেরে বচ্চে কা হোমওয়ার্ক থা, অর উসনে বোলা থা কি পাপা বিনা কিতাব দেখে কিজিয়েগা, মোবাইল কা ডেটা ভি খতম হো গয়া, তো হিস্ট্রি টিচার সে অর কন বেটার হো সকতা হ্যায় না, তো মেরা কাম হো গয়া, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। এগুলো কি আর কি হচ্ছে? ফোন করে একদমকে টিচার, হ্যালো, আমি এটা টিচার, ফোন করে এগুলো কি আর কি হচ্ছে? স্যার থোড়া সা হিস্ট্রি, আপ হিস্ট্রি বতায় না স্যার, আপ দুসরো কো ভি মালুম চলেগা না কি আরিয়ানস কাহা পর আয়ে থে, নেই তো লোগো কো তো লাগ রাহা থা আরিয়ান শাহিদ কাপুর হি হ্যায় আঁখো মে তেরা হি চেহারা। আমি টিচার, আপনি আমাকে ফোন করে আমার সঙ্গে ইয়ার কি করছেন আপনি? স্যার প্রবীণ বল রহা হুঁ, রেড এফএম সে স্যার, মুর্গা বানা রহে থে। ও মানে কুছ ভি স্যার, মাইন্ড গুড উইন্নার স্যার। না না, নয়নওয়া তোহারে সপনওয়া। হ্যালো, রাধেশ্যাম জি বল রহে হ্যায়? হ্যাঁ রাধেশ্যাম বল রহে হ্যায়। স্যার আপকা बैंक में अकाउंट है ना? हाँ सर, हम वही बैंक से बात कर रहे थे सर। अभी आपको मालूम है कि बैंक का मर्जर हुआ है, 4 बैंक को मिला के एक बैंक हुआ है। हाँ, और जो हम देख पा रहे हैं सर हमारा सिस्टम में, ज्यादा पैसा वैसा तो है नहीं आपके पास ऐसा अकाउंट में, 10,000 रुपया अकाउंट में था पैसा, है ना? 10-11,000 रखे थे। हाँ, तो अभी क्या है, 4-1 हुआ है बैंक। 4-1 हुआ मतलब 4 बैंक मिला के एक बैंक हो गया ना? हाँ, तो आपका पैसा भी, आपका पैसा भी क्या हुआ, 1/4 हो गया, मतलब 10,000 का 2,500 हो गया। अभी जो हमारे अकाउंट में वो 2,500 दिखा रहा है, और ये कॉल आपकी जानकारी के लिए की गई है। आप साला बैंक से बोल रहे कि चोर बोल रहा है रे, गाजर कैसे हो गया, गाजर कैसे हो, हमको समझाओ जरा। 10,000 हम रखे बैंक में, 2,500। एक मिनट एक मिनट सर, आपकी जानकारी के लिए कॉल किया था। सुनिए, आपकी जानकारी, 10,000 2,500 कैसे हुआ? 4 बैंक का 1 हुआ। अरे 4 बैंक 5 बैंक हमको मत सुनाओ, समझे ना, 4 बैंक का 1 हुआ है तो वही 10,000 का आपका 2,500 हो गया। गणित है सर ये, आप इसे उत्तेजित ना हो, आप उत्तेजित ना हो, आपकी जानकारी के लिए। नहीं नहीं, हमको हमको मत सिखाइए, हमको मत सिखाइए, 2,500 कैसे हुआ को बताओ जरा। आप पहली बात तो गाली मत दीजिए, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए। साला हमारा पैसा है और हमारा 2,500 रुपया, 10,000 रखे थे 2,500 हो गए, फालतूला बात करते घुस जाएंगे, समझे, मूड खराब मत करो, देते हैं। सर मिनिमम बैलेंस 2,500 आपने रखा है, आपको 2,500 और देने पड़ेंगे, 5,000 तभी आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा, नहीं तो ये 2,500 भी चले जाएंगे। 2,500 अपने डाल लो, हमको नहीं चाहिए 2,500, हमारा 10,000 चाहिए तो 10,000 चाहिए, फालतू बात मत करो हमसे। सुनिए, 4 बैंक का 1 बैंक हुआ है। अच्छा सर सुनिए, आपकी सहूलियत के लिए, नहीं हम ऑफिस में बैठे हैं ही चलते, ऐसा गाली देंगे तोरा कान से साला खून निकल जाएगा, ज्यादा कुत्ता साला परेशान कर रहा है रे। सर हम आपको 4 बैंक का एटीएम दे देंगे, ठीक है, चारों बैंक का एटीएम लेके में डाल दो तो अपना, समझा। सुनिए सर, अरे आप मत जला, हम का आप उत्तेजित ना हो, आपको 2,500 रुपए देना पड़ेगा तब जाके आपका ये अकाउंट एक्टिव रहेगा, नहीं तो अकाउंट बंद हो जाएगा। एक रुपया भी नहीं कुछ देंगे, कुछ नहीं देंगे हम, नहीं देंगे कुछ नहीं देंगे। तो आपका 10,000 तो गया। अरे कौन माई का लाल
कौन मेरा पैसा ले लेगा रे? कौन पैसा लेगा मेरे अकाउंट से? हम लेंगे, घुस के निकाल लेंगे पैसा। कहाँ घुस के निकाल लेंगे? इसके पहले भी गए क्या वहाँ पे आप? घुस के निकाल लेंगे समझे? इसके पहले गए क्या? ज्यादा बतियाइए नहीं, राधे श्याम जी से बात जादी। हेलो, ना 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 रखो 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 फोन रखो फोन रखो, बतियाओ मत, दिमाग खराब हो रहा है। फोन तो रखे, बहुत महंगा वाला फोन रखे है। अरे नमस्कार सर, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। हम लोग मुर्गा बना रहे थे आपका। आप ही लोग को मिलता है। हेलो नमस्कार, पवन गुप्ता जी से बात हो रही है। हाँ जी पवन बोल रहा हूँ। सर वो शादी का एड देना था, मैं न्यूज़पेपर कंपनी के जो कॉपी टीम है ना, जो ये एड लिखी है, वहाँ से बात कर रहा था। सर अभी क्या है ना कि हम लोग नई नई तरह की कॉपी लिख रहे हैं, कुछ क्रिएटिव एड्स देने की कोशिश कर रहे हैं पवन सर। अच्छा है ना, तो हमने आपके लिए एक कॉपी चूज करके रखी, आप सुन के देख सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो विल गो अहेड विद दिस सर। हाँ ठीक है ना। तो सर हमने एड ऐसा लिखा है कि सुबह जब मैं उठूं तो वो कमरे में चाय लेकर आए। ठीक है सर? ये कैसा? नहीं आगे बता रहा हूं। सुबह अच्छा। जब मैं उठूं तो वो कमरे में चाय लेकर आए, मैं उसकी बाहों को पकड़ लूं और वो कहे छोड़िए ना मुझे, छोड़िए ना, छोड़िए, कोई देख लेगा। और जब आप छोड़े नहीं तो वो चिल्लाए मम्मी जी मैं आई। जरूरत है एक ऐसी बीवी की जो जिंदगी के इन हसीन लम्हों को हमारे साथ बिताने के लिए तैयार हो। सर सर ये कुछ अटपटी से नहीं लगी आप? सर आजकल ये चल रहा है सर, बहुत फेमस है। पवन गुप्ता सर आपकी उम्र कितनी हो गई सर? 36 ना सर, 36 ओवर के बाद तो बॉल भी रिवर्स स्विंग करती है सर। अब आप बता, शादी के लिए कुछ क्रिएटिव नहीं, 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 हेलो हेलो एक मिनट, आप बोल कौन रहे हैं? सर मैं वो न्यूज़पेपर कॉपी डिपार्टमेंट से बात कर रहा था। सर हम लोग वैल्यू, सर एक मिनट सर, हम लोग वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देते हैं सर, मतलब शादी के इस एड के साथ में विल गिव यू कॉलर ट्यून। लड़के की आवाज में या लड़की की आवाज में? लड़की की आवाज में बेहतर रहेगा ना सर? हाँ लेकिन कॉलर ट्यून कैसे समझा नहीं सर? कॉलर ट्यून हम आपको देंगे सर, जब भी कोई आपको कॉल करेगा ना सर, तो सामने वाले को सुनाई देगी ये आवाजें। हेलो, क्या आपकी नजर में कोई है जो मेरे पवन भाई के लिए सुबह चाय लाए? और पवन भाई जब उनका हाथ पकड़े तो वो शर्माते हुए चिल्लाए मम्मी जी आई। सर एक मिनट, सर एक मिनट पूरा, क्योंकि भैया की उम्र 36 है और 36 ओवर्स के बाद तो बॉल भी। नहीं नहीं सर अच्छी नहीं लगी सर। सर हम दूसरी लिख सकते हैं और भी कॉपी आपको दे सकते हैं सर। नहीं दूसरी लिखने का क्या मतलब? मेरी क्या उम्र हो गई, क्या हो गया फिर? भाई रख दिया सर। हेलो नमस्कार सर, मैं आपके बैंक के ब्रांच से बोल रहा हूँ सर, पवन गुप्ता जी। हाँ जी सर, वो थोड़ा केवाईसी का थोड़ा ठीक ठाक करना था, 2-3 सवाल है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। केवाईसी? हाँ जी जी जी, ये थोड़ा कंफर्म करना था सर। सर आपका नाम पवन गुप्ता है? आपके रिकॉर्ड में होगा ना? हाँ हाँ, मतलब कंफर्म करना है सर। हाँ कंफर्म हो गया आपका। हाँ पवन गुप्ता जी है ना आप? हाँ जी। आपका उम्र 36 है? हाँ जी 36 है। और सर मैरिटल स्टेटस सर? सिंगल। सिंगल ना सर, 36 हाँ। में सिंगल सर, वो तो मतलब क्रिकेट बॉल भी 36 ओवर के बाद नहीं है, मतलब क्रिकेट ये क्रिकेट बता रहे हैं सर आपको, 36 ओवर के बाद क्रिकेट। फिर करने लगे सर, एक बात बताओ सर जी, आपकी जो भाभी है उन्होंने आपका नंबर दिया था आपको मुर्गा बनाने के लिए, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, पर जितने की आपकी उम्र है ना सर, आप देवर नहीं सर जेठ बनने लायक है। Alright, so आप भी अगर किसी को मुर्गा बनाना चाहते हैं देन डाउनलोड कीजिए रेड एफएम इंडिया ऐप एंड अपनी रिक्वेस्ट भेजिए वहां पर, भेजिए भेजिए भेजिए। और सुनो भाई, कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा
कि प्रवीण भाई आप भी 34 के हो मतलब भाई बया मेरा रिंकी आके पापा ओहो हो रिंकी आके पापा ऐसा था। हेलो हाँ जी कौन बात कर रहे हैं? सलीम। हाँ बोल रहा हूँ। बहुत कमाल के टिकटॉक बनाते हैं आप, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट है आपका। शुक्रिया। हम आपके नेटवर्क से बोल रहे थे, नेटवर्क ऑपरेटर जो है हमारे यहाँ पर। अभी एक कॉन्टेस्ट चल रहा था कि लॉकडाउन में वी वर कीपिंग अ टैब कि हमारे नेटवर्क पे जितने भी लोग हैं जो बहुत बढ़िया वीडियोस बना रहे हैं, हम उनकी कुछ वायरल स्टार से बातचीत करवाएंगे एंड यू आर द चोजन वन। कंग्रेचुलेशंस टू यू। अरे बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने ये वाला ऑडियो सुना है जिस पर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए थे? ये आजा तुझे आसमान में ले चलूं चांद को उसकी औकात दिखाने, मेरी महबूब है ना? अरे बिल्कुल बिल्कुल सुना है सर, इस पर बनाया भी था मैंने, बहुत अच्छा हो गया था। अच्छा जी, अच्छे व्यूज मिले थे सर, व्यूज मिले थे। तो ये गाने में लास्ट में जो ओहो हो करते है ना? हाँ हाँ जी, वो वायरल स्टार हमारे साथ में आज बात कर सकते हैं आप। ओहो हो। हेलो। ओहो हो। हेलो सर, मैंने बनाया था आपके इस पे टिकटॉक। ओहो हो। हेलो सर, मैंने बनाया था आपके इस पे टिकटॉक। ओहो हो। हेलो सर, इनका रोल ही इतना, इससे ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, ये ओहो हो पे अटक जाते हैं। सर क्या मतलब, कुछ तो बोलते होंगे ना सर? नहीं कुछ बोलते आप? ओहो हो। क्या मजाक है सर ये? सर नहीं नहीं, आप गाली ना दे सर। वो एक म्यूजिक पीस ये वाला, हाँ आपने हाँ। वीडियो बनाया था इस पर? सर बिल्कुल बनाया था, इस पर वीडियो बनाया था, छत्तगड़े होकर बनाया था हम चार दोस्तों ने एक चार साथ। लोगों को अकेले नहीं बना पा रहे आप, चार चार दोस्तों के साथ में हमने बनाया, बहुत कमाल वीडियो बनाया था। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जो वायरल स्टार हैं इस गाने के पीछे, जिनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ये बना था, कोई जानता ही नहीं है, कोई जानता नहीं है सर, वो हमारे साथ में बात कर सकते हैं आप। दादा एक्चुअली मैंने जो सुर बनाया था वो गाना दूसरा था, ये चोरी कर लिया, वो ओरिजिनल ही था, रिंकी आके पापा ओहो हो रिंकी आके पापा ऐसा था। अरे ये तो अंग्रेजी गाना है, ये तो भोजपुरी है, क्या बना रहा है भाई? ना 370 बल्ची हमारी सुर। अरे कौन सी भाषा में बात कर रहा भाई? सर किसको बना रहा है? एक्चुअली बंगाली दादा है, इनका रिकॉर्डिंग स्टूडियो अपना बता रहे थे। अरे यार भाई क्यों पागल बना रहे हो यार, क्यों काट रहे हो मेरा यार? सर आप मुझे ये बताएं सिर्फ, आप किसके फैन है? किसके भाई? मैं रियाज का फैन हूँ, बहुत बड़ा। हमारे साथ है, बात करना चाहते हैं आप? हाँ बात करना चाहते हैं, हमारे साथ में है, बात कर रहा हूँ सच में। हाँ सच में सर, पक्का प्रॉमिस, बात कर रहा हूँ भाई। पहले इंट्रो म्यूजिक। हो गया भाई, बात कीजिए रियाज। ओ यस भाई, म्यूजिक कहाँ है भाई? रियाज भाई रियाज तो कर रहे हैं, मैं रियाज तो कर रहा हूँ। यार किसको काट रहा है मेरे बाप? कौन है? कौन सी कंपनी है? उससे बात कराता हूँ क्या सर? मैं नहीं बनाता कोई टिकटॉक विकटॉक। गाली नहीं सर, क्या गाली नहीं? नो 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 नो। हेलो, क्या लगा रखा? जिन्होंने ये ओ नो नो किया था ना हमारे साथ में, ओ नो 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 नो। क्या कर रहे हैं मेरे बाप? रहने दो, किससे बात निकल रही मेरे को? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 पर हम लोग मुर्गा बना रहे थे सर। सर खत्म करने से पहले एक ही चीज कहना चाहूंगा, आजा तुझे आसमान में ले चलू चांद को उसकी औकात दिखाने, मेरी महबूब। भाई मैं हो गया फैन टिकटॉक का। छोड़ भाई छोड़, ठीक है इट्स ओके भाई, मैं गोली मारूंगा, मर जाना भी तुम दोनों, ठीक है? पहले ये लोग ओवर एक्टिंग कर रहे हैं सर, मैं आते रहो, थैंक यू। हेलो हेलो, आपकी गर्लफ्रेंड आपको आई लव यू टू बोलती है?
बोलती है कि नहीं? आई लव यू टू बोलती है कि नहीं पहले ये बताइए सिर्फ। अरे कौन बोल रहे हो भाई? अरे यार वो छोड़ो यार, मैं तुमको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। आई लव यू टू बोलती है कि नहीं बोलती है? अरे भाई बोलती है तो? बोलती है ना, धोखा दे रही है भाई तुमको, बहुत बड़ा धोखा दे रही है तुमको। अरे चिल्ला क्यों रहे हो भाई? अरे मैं चिल्ला भाई मैं तुमको, मैं बताना चाह रहा हूँ, वो तुमको धोखा दे रही है, समझो बात को ठीक है? धोखा दे रही भैया? अरे भैया आई लव यू टू बोल रही है ना वो। हाँ तो आई लव यू टू ही तो बोलेगी। हाँ तो उसका टू टी डबल ओ नहीं, उसका टू टी डब्ल्यू ओ है, आई लव यू टू टी डब्ल्यू ओ। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, पगला रहे हो क्या? क्या बोल रहे हो नाम से? हेलो हेलो, अरे हेलो भैया। हाँ कौन बोल? अरे अब ये तुम दूसरा कौन बोल रहे हो भाई? अभी वो पहला, मैं वो टू हूँ, ये पहले वन था। पहले ये बताइए कि आई लव यू टू का मतलब क्या होता है? अरे भैया एक बार बताओ, लॉकडाउन में क्या भैया सैनिटाइजर पी के बैठे हो? सुनिए एक मिनट, आई लव यू टू का मतलब पूछ रहे ना, बताइए ना आई लव यू टू का मतलब क्या होता है? इतने तो पढ़े लिखे हैं आप। तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ अरे मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अरे नहीं, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, ये वाला है। अरे एकदम आई लव यू टू कुछ नहीं है, समझ में आ रहा आपको? अच्छा एक बात बताओ, गर्लफ्रेंड का कॉलर ट्यून क्या है? आधा है आधा अधूरा हो जाएगा। आधा आधा अधूरा आधा अधूरा जो है वो आधे तुम एक हो और आधा दूसरा वाला आधा, उनको मिला के पूरा हो जाएगा। अरे एक बार बताओ तुम दोनों क्या मजे लेने के लिए? दोनों नहीं तीनों, गलत काउंटिंग है आपकी, काउंटिंग गलत है, तीन है यहाँ पर। वही तो टू है, टू टी डब्ल्यू और टू। भाई साहब एक बात बताइए, इंस्टाग्राम में वो कितनी तस्वीरें लगाती है दिन में? दो। दिन में दो लगाती है? हाँ। एक उसके लिए एक आपके लिए। अच्छा अच्छा एक बात और, ये आपने जो मैसेज किया था ना कि रात को बेबी तुमको नींद प्यारी है या मैं, तो क्या जवाब आया था? मैं ना, और कब आया था जवाब? सुबह के 10 बजे। इसका मतलब उसको रात की नींद प्यारी है, आप नहीं। आई लव यू टू बोल रही है, टी डब्ल्यू ओ। मजे ले रहे हो कौन? अच्छा एक बात बताओ, ए फॉर बताइए, ए फॉर रोमांटिक मत होइए अभी। ए फॉर हेलो। हाँ ए फॉर भैया पूछ रहे हैं, जवाब बताइए यार। भाई काहे परेशान कर रहे हो यार? अच्छा बताइए ना, ए फॉर क्या? अब बोलो बोलो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर जो इनका कटा है। यही बोलोगे ना, सी फॉर जो हमारा आया हमारी तुम लोग। लास्ट, देखकर मुस्कुराना लड़की की अदा है, और जो इसे प्यार मोहब्बत समझे वो सबसे बड़ा गधा है। यही खुद ही बोल रहे हैं आप। सैनिटाइजर तुम लोग पी के बैठे हो ना, सैनिटाइजर चला लियो, रखो फोन। वो रख देंगे लेकिन पहले जान तो लीजिए कौन बोल रहे हैं। हाँ कौन बोल रहे हो भैया, बताओगे नहीं? आई लव यू टू वाले टी डब्ल्यू मैं आरजे प्रवीण, मेरे साथ ऑरित्रो एंड रोहित मिलकर के मुर्गा बना रहे थे भाई आपका, आपकी गर्लफ्रेंड के कहने पर ही। आई लव यू टू, आई लव यू थ्री, आई लव यू फोर। उसको ये गाली वाली मत सुना देना भैया, बहुत मारेगी। क्यों, उसके सामने आपकी छवि बहुत साफ है? अरे भैया उसको पसंद नहीं, प्लीज गाली मत सुना देना, उसको गाली वाली मत सुना देना। 93.5 रेड एफएम पे आ जाना। टैग कीजिए उन लोगों को जो आई लव यू टी डब्ल्यू ओ में विश्वास रखते हैं। अरे यार तो मजे ले लियो यार प्रवीण भाई। हेलो प्रताप मेडिकल स्टोर से क्या? हाँ प्रताप मेडिकल स्टोर। बहुत प्रॉब्लम में हूँ बेटा। काम क्या है वो बोलो। पीछे वाला रास्ता है ना बेटा, वहाँ पर ऐसे बड़ी सी फुंसी हो गई है, बहुत दर्द। दादा दादा ये मैं खराब मत कर ठीक है, काम धंधे का टाइम है, दुकान खोल के रखा है हमको, और भी पीछे काम में फुंसी हो रखी है, दर्द होता है, उसके लिए कोई दवाई बता दो। दवाई बता दो, दवाई दुकान खोल रखी है। तुमने मजाक करने के लिए फोन किया है क्या? सीरियस प्रॉब्लम है, अभी तुमसे बात भी कर रहा हूँ ना बेटा, बहुत दम लगाना पड़ रहा है, दर्द हो रहा है। डॉक्टर के पास जाना है क्या? मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है यहाँ पे? पैरासिटामोल खा ले। अरे जो भी है ना फोन रख ठीक है बेटा, ऐसे गाली मार दो बेटा, दवाई देनी है तुमको। मेरे को बोला ना पैरासिटामोल खा के मर जा।
हेलो, मेरे पिताजी की जान चाहिए, वापस ला के दे पाएंगे आप? भाई तेरे को चाहिए क्या? हेलो, कौन बोल रहा है, नाम क्या है तेरा? मेरे पिताजी ने तुमको थोड़ी देर पहले कॉल किया था, इनको फुंसी थी। पैरासीटामोल खा के मर जा। तो पैरासीटामोल खा लिया उन्होंने, उनको तो एलर्जी है पैरासीटामोल से, मर गए मेरे पिताजी। फोन रख साले, दिमाग का दही कर रहा है फालतू। जब पुलिस का फोन आएगा ना तब पता चलेगा तुमको दिमाग का दही। दवाई दुकान खोल ली है तो खुद को डॉक्टर समझते हो? वो बोल रहे थे दवाई बता तो मैंने बोल दिया पैरासिटामोल खा के मर जा। मेरे को थोड़ी पता है उतना, इनको इतनी एलर्जी हुई है करके। जान ले ली ना एक इंसान की, पुलिस के पास जाऊंगा। ये धमकी वमकी मेरे को मत दे, समझा क्या? हेलो, आपने किसी को कोई दवाई सजेस्ट करी थी पैरासिटामोल? हाँ करी थी। आप कौन? आपके नाम पर केस दर्ज किया है उसी इंसान ने जिसके पिताजी की मौत हुई है। नहीं, कौन बोल रहे हैं? पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। आपको मतलब नो, यू आर नॉट अ डॉक्टर, ठीक है? तो आप इस तरह से सर वो पीछे पड़े थे, दवाई सजेस्ट करो, मैंने कर दी सर, मुझे थोड़ी पता था वो मर जाएंगे। थाने में आना पड़ेगा सर, प्लीज सर ऐसा मत करो सर। नहीं ऐसा तो ऐसा आपको सोचना चाहिए था ना पहले। दवाई दुकान चला रहे उसका मतलब क्या, मतलब कुछ भी बोल दोगे आप, जो मुंह में आएगा बोल दोगे पैरासिटामोल खाओ और मर जाओ? ये आपने कहा है उनको? सर मैं गरीब हूँ सर, मेरा एक मेडिकल स्टोर है, मेरे भी बीवी बच्चे सर, समझो ना बात को सर। आपके बीवी बच्चे होंगे वो तो जिंदा है, उनके तो पिताजी मर गए, उन्होंने जब आपको पुलिस की धमकी दी हाँ तो सर, आपने क्या क्या बोला उनको? सर मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो सर, ऐसा नहीं है। हाँ? प्लीज सर। क्या माफ क्या कर दो? थोड़ी पता था, मुझे नहीं पता था सर वो मर जाएंगे, पैरासिटामोल तो नॉर्मल गोली है सर, पेन किलर है सर। सर माफ कर दो सर। रोइए मत। कौन बोल रहा है? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बनाया जा रहा था अभी तक। हमारी बैंड बजा रहे। सूख गई भाई तुम्हारी तो, सूख गई भाई, रुला दिया यार। हेलो, अविनाश बोल रही है। हाँ बोली। तुमको मालूम है हमारा जिंदगी झंड हो गया, बर्बाद हो गया हमारा जिंदगी, सुबह सुबह उठ करके बहुत चुन्ना लगा रहता है तुमको। गलतफहमी हो रही है। अरे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, तूने कल एक तो भगवान की फोटो भेज करके लिखा था 7 जन को भेजिए तो गुड लक आएगा, नहीं भेजोगे तो बैड लक आएगा, भेजा था ना? अरे भेजा होगा तो। हाँ तो मैंने वो फोटो नहीं किया, गलतफहमी हुई होगी। अरे क्या गलतफहमी, घंटा गलतफहमी, मैंने 7 लोगों को भेजा नहीं, मेरा बैड लक इतना खराब हो गया साला, छिपकली के काटने से डेंगू हो गया। छिपकली के काटने से कभी डेंगू होता है? अरे होता है भाई साहब, क्योंकि छिपकली को पहले डेंगू के मच्छर ने काटा, उसके बाद में छिपकली ने हमको काटा तो डेंगू हुआ ना। है मजाक कर रहे? मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे दादाजी को इंग्लिश में कैंसर। अबे इंग्लिश में कैंसर होता है क्या? इंग्लिश में दिखाया राशि तो कैंसर आया, हिंदी में तुला था, समझ रहे हो? चाय पीने के लिए बर्तन गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं, पानी भाप बन के उड़ जाता है, चाय पी नहीं पा रहे, 6 दिन हो गया। फोन रख यार, फोन रख। बैड लक तो ऐसा पीछे मैडम क्या बताए, तेरा कोई मेरे से कोई पंगा है क्या तेरा? काहे भेजा सुबह सुबह मैसेज कि 7 लोगों को ही भेजो, नहीं भेजोगे तो बैड लक आएगा? हैं? अरे यार, अरे यार क्या जिंदगी बर्बाद करके बोल रहे हो? अरे यार मुझे भी तो किसी ने भेजा होगा ना, तुझे जो भी उखाड़ रहा है उखाड़ लेना, ठीक है? चल। हेलो, तेजपाल सिंह वैभव, क्या हमारी बात इस वक्त बहुत ही दिग्गज मनुष्य के साथ में हो रही है? इतना अश्लील भाषा क्यों बोल रहे हैं? शुद्ध हिंदी में आपसे बात कर रहे हैं, आपके लिए ये शायद अश्लील होगा। जजमान, हम चाहते हैं कि आप हमारा एक छोटा सा कार्य संकल्प कर दें। हाँ बताइए। हमने सुना है कि आपके भेजे हुए मैसेज से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। हमारा एक जजमान है जिसने हमसे संकल्प करवा करके हमें दक्षिणा नहीं, तो हम चाहते हैं कि उनका बुरा हो। हम चाहते हैं कि आप वो जो 7 आदमी को फॉरवर्ड करने वाला मैसेज था ना, वो उनको एक बार भेज। वो इतने व्यस्त रहते कि वो दूसरों को फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। अबे साले कहाँ से तो मेरा नंबर मिलता है तुम लोगों को? आपका नंबर तो सर्वत्र है। मेरे उखाड़ फेंकूंगा जब मिलेंगे तो। आपको हम जो दूरभाष संख्या है जो तुमसे बोल रहा हूँ, फोन नंबर हम कैसे कर रही है तू? मेरा नाम तेजपाल सिंह वैभव है, हम चाहते कि आप उसका कार्य, हम आपको वो नंबर कैसे भेजे आप जरा हमें बताएं, क्या हम डाक से भेजें या कबूतर के गले में चिट्ठी डाल के भेजो? या मिलूंगा ना साले, बड़ी मार मारूंगा तुझे मैं। जजमान, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्यों इस तरह के मैसेजेस लोगों को भेजते हैं? मिलियो मुझे, मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं आपसे मिलने को उत्सुक हूँ, बेताब हूँ, खाया नहीं खाया है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड एफएम 93.5 से बोल रहा हूँ और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था भाई साहब, ये सारे मैसेजेस फॉरवर्ड करने के लिए लोगों को। प्रवीण और भेज बेटा, और भेज लोगों को मैसेजेस, 7 लोगों को भेजो नहीं तो तुम्हारा बुरा बचा।
हेलो, माय नेम इज डॉक्टर प्रशांत, आई एम अ डाइटिशियन एंड अभी वर्ल्ड फिटनेस डे आने वाला है. अच्छा, आपका नंबर हमें आपके जिम से मिला है. तो वी वांटेड टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज योर डाइट, आप क्या डाइट फॉलो करते हैं? वही हल्का फुल्का खाना है, ज्यादा मतलब अवॉइड करता हूँ. और नहीं, आई थिंक हल्का फुल्का तो नहीं आपका खाना. किस तरीके का फूड लेते हैं आप? सब्जियाँ ले लेता हूँ, फ्रूट लेता हूँ, बाहर का अवॉइड करता हूँ. मसालेदार होता है? हाँ, मसालेदार लेता हूँ हल्का. ये सब जान के आप करेंगे क्या? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? आप छिलके वाले फूड थोड़े ज्यादा खाते हैं ना? हाँ खाता हूँ, बट व्हाट डू यू नो एग्जैक्टली? आपको मालूम है कि जो टिश्यू पेपर आप